जय श्री राम दोस्तों, अभी हम हैं राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी धाम में और ये वही धाम है जहाँ पर भूत प्रेतों से छुटकारा पाने के लिए लोग आते हैं। फिलहाल आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं हनुमान जी की यह प्रतिमा 151 फीट ऊंची है और ठीक इसी के बगल में है बहुत प्राचीन रामायणकालीन राक्षसी सुरसा की बहुत बड़ी प्रतिमा बनी हुई है। आप जो मेरे सामने देख रहे हैं यह राक्षसी सुरसा की प्रतिमा है और इसके मुख के अंदर से गुफा जाने का रास्ता बना हुआ है। रामायण की कथा के अनुसार हनुमान जी अपना कद छोटा करके राक्षसी के मुख से बाहर आ रहे हैं, ऐसा यहाँ पे दर्शाया गया है। ये देखिए यहाँ पे हनुमान जी बाहर निकल रहे हैं इस राक्षसी के मुख से और इसके अंदर जाते ही आपको एक लोहे का गेट मिलेगा जो कि ये गुफा बंद करने के लिए है और बहुत सारी यहाँ पर प्रतिमाएँ लगाई गई हैं। इस गुफा के अंदर रामायण के कई दृश्यों को दर्शाया गया है। इसके अंदर सुग्रीव की भी गुफा दिखाई गई है, जैसे कि ये देखिए यहाँ पर राम दरबार को दर्शाया गया है सुग्रीव की गुफा में। और थोड़ा सा आगे बढ़ते ही आपको यहाँ पे भगवान शंकर जी की जो है मूर्ति दिखाई देगी। उसके बाद थोड़ा सा और आगे जाते ही यहाँ पर दिखाया गया है कि भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी नाव से जो है कैसे पार करते हैं नदी को, वो दर्शाया गया है। संपूर्ण रामायण की एक झलकी यहाँ पर इस गुफा के अंदर दिखाई गई है। यहाँ पे देखिए रामचरितमानस लिखा जा रहा है और आगे जाते ही हनुमान जी की जो है यहाँ पे मूर्ति लगाई गई है इस गुफा के अंदर और एंड में आखिर में यहाँ पे दुर्गा जी की प्रतिमा लगाई गई है। एक तरह से राक्षसी के शरीर के अंदर ही सारी जो है प्रतिमाएँ लगाई गई हैं, ऐसा यहाँ पर दर्शाया गया है। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं मेहंदीपुर बालाजी के मेन मंदिर के सामने और यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों तरफ कैसी चहल पहल है। सामने का नज़ारा कुछ इस तरीके का है और अब चलते हैं मंदिर के अंदर बालाजी का दर्शन करने के लिए। तो जिस टाइम हम पहुँचे हैं उस टाइम उतना खैर भीड़ नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो भूत प्रेतों को जो उतारने वाले जो मंदिर हैं वो पहाड़ी पर हैं ऊपर और यहाँ पर नॉर्मल दर्शन बालाजी के होते हैं और जिनको भूत प्रेत का साया होता है वो ऊपर पहाड़ी पर जाते हैं वो लोग। तो अभी हम बालाजी का दर्शन करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। तो जो लोग अर्जी लगवाते हैं यहाँ पर उनकी पेशी चलती है, ये है कोतवाल सरकार। और अब हम आ गए हैं राधा कृष्ण मंदिर जो कि मंदिर के जस्ट सामने ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसमें राधा श्री कृष्ण की मूर्ति और भगवान श्री राम जी की मूर्ति भी दर्शाई गई है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं वहाँ पर जहाँ पर पहली बार बालाजी की मूर्ति जिसको मिली थी वो उनका यहाँ पर मंदिर बन रहा है। क्योंकि मंदिर का काम चल रहा है चले हम लोग अंदर नहीं गए,